ओम अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है। अध्याय 9, आज 9वें दिन में पहुंच गए हम लोग। हमारी 50% जो यात्रा है, 18 दिन की यात्रा में हम आधी यात्रा हमने आज कवर कर लेंगे आज के चैप्टर के बाद। तो कल हमने अध्याय 8 पढ़ा जो था भगवत प्राप्ति। तो अर्जुन ने 8 सवाल किए थे, है ना? क्या सवाल थे 8 सवाल, कोई बताएंगे? 8 सवाल क्या थे? अर्जुन ने रैपिड फायर क्वेश्चंस किए थे, एक एक करके कुछ बता सकते हैं जो भी याद आ रहा है। 8 सवाल क्या थे अर्जुन के? कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? तो अर्जुन इसमें जैसे सामने भी लिखा हुआ है किम ब्रह्म, ब्रह्म क्या है ना? सामने भी लिखा है, एक सवाल तो सामने ही लिखा हुआ है जी अर्जुन। ब्रह्म अध्यात्म जी कर्म प्रभु जी। अधिभूत हाँ जी, हाँ अधिभूत अधिभूत, परमात्मा परमात्मा कहाँ रहता है हाँ और परमात्मा मृत्यु कहाँ के रहता समय है, कृष्णा को कैसे याद किया कैसे जाए। याद कर सकते हैं। तो बहुत कुछ चीजें सामने भी लिखी हुई है। तो दूसरा क्वेश्चन जो है, फिर भगवान सबका जवाब देते हैं कि जो जो हमारा हम जीव है ये अविनाशी जो है ये ब्रह्म है। हम जीव जो है ब्रह्म है, और हमारा जो स्वभाव है वो आत्मा और अध्यात्म है ना? इस तरह से भगवान ने बताया। और फिर मृत्यु के समय कृष्ण को याद कर, तस्मात सर्वेषु कालेषु, है ना? मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद कर सकते हैं जब हम निरंतर, भगवान दो तीन तरह से बताते हैं। जब मृत्यु के समय अगर भगवान को स्मरण करते हुए हम याद करते हैं तो, लेकिन भगवान कहते हैं उसको अभ्यास से आप कर सकते हो, अभ्यास और विरक्ति से आप भगवान को मृत्यु के समय याद कर सकते हो, है ना? एकदम से ऐसे नहीं आएंगे, क्योंकि जो हम लोग जो है, हमारी जो प्रायोरिटी है वो भगवान कभी रहते ही नहीं है ना। हमारी लाइफ के अंदर भगवान प्रायोरिटी रहते ही नहीं है। हम लोग पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के बाद नौकरी करते हैं, नौकरी के बाद परिवार चलाते हैं, और उसके बाद समय मिलेगा तो भगवान को याद करेंगे, है ना? अंत समय में तब याद करेंगे। तो भगवान सब जानते हैं एक्चुअली, तो इसलिए उसको शुरू से हम अभ्यास करेंगे और विरक्ति से हम भगवान को याद कर सकते हैं। इतना आसान नहीं है। फिर भगवान कहते हैं योग मिश्रित भक्ति द्वारा कृष्ण को याद करें। तो भगवान ने बताया कि जो है आप ध्यान केंद्रित करिए, भवों के मध्य में केंद्रित करिए, है ना? योगा अभ्यास करिए, और इस तरह से आप करके, है ना? जैसे अष्टांग योग में भी बताया था, जब हम समाधि तक जाते हैं तो एक वो तरीका भी है कि भगवान को हम याद कर सकते हैं। और शुद्ध भक्त द्वारा कृष्ण को याद करना, शुद्ध भक्त जो है दुखालयम अशाश्वतम। भगवान ने कल बताया था कि ये जो भौतिक जगत है ये एक दुखालयम है ना, अशाश्वतम, दुखालयम है पूरा ये। तो इसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो है चलती रहेगी, लेकिन शुद्ध भक्त क्या है, निरंतर याद करता है, सततम कीर्तयंतो माम, है ना? पूरा कंटिन्यूअसली वो निरंतर उसके अंतःकरण में भगवान का ध्यान रहता है, तो वो शुद्ध भक्त जो है परम सिद्धि को प्राप्त करता है। और भौतिक दुनिया बनाम आध्यात्मिक दुनिया, है ना? तो उसमें हमने बताया था ब्रह्मा का दिन, और कंपेयर किया था कि ब्रह्मा जो है, जब ब्रह्मा का एक दिन खत्म होता है, रात्रि आती है, तो ये पूरा पूरा समाप्त हो जाता है ना जो, लेकिन जो आध्यात्मिक दुनिया है वो खत्म नहीं होती। आध्यात्मिक मतलब भगवान का जो धाम है वो कभी खत्म नहीं होता। तो वो एक कंपैरिजन बताया था। और कृष्ण प्राप्ति में शुद्ध भक्ति का, तो ब्रह्मा का जो एक दिन का हमने कैलकुलेशन किया था कि चारों युग मिलके बनते हैं, और भगवान के ऐसे हजार 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 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रह्मा का एक दिन बनता है, और फिर रात्रि आती है। तो चारों युगों को, जब हम कलयुग का 4,32,000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8,64,000 आता है।
फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 लाख समथिंग आता है, फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 17 लाख समथिंग आता है, इन सबको जोड़ेंगे तो 43 लाख 20 हजार साल आ जाता है, 43 लाख ईयर्स आ जाता है। तो ये पूरा एक युग हो गया था, इसको जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रह्मा का एक दिन हो जाता है और फिर वो कल्प आ जाता है। और कृष्ण प्राप्ति में शुद्ध भक्ति का वर्चस्व क्या है ना, शुद्ध भक्ति का वर्चस्व क्या है कि वो भगवत धाम को प्राप्त करता है, जब शुद्ध भक्ति में आ जाते हैं तो वो भगवान के धाम को, भगवान को प्राप्त करता है। अब आज है राज गुह्य योग, परम गुह्य ज्ञान। अब भगवान जो है कॉन्फिडेंशियल ज्ञान बता रहे हैं, इसको परम गुह्य ज्ञान कहा गया, परम गुह्य ज्ञान। श्री भगवान उवाच, इदम तु ते गुह्य तमाम प्रवक्ष्याम जन्य सूय वे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से शुभा। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बताऊंगा, जिसे जानकर तुम सारे के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो भगवान ने देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी दिया है, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते हैं। तो भगवान ने बताया था कि जो मुझसे ईर्ष्या करते हैं, मैं उनके वो कभी समझ नहीं सकते, क्योंकि उनके ज्ञान को मैं आच्छादित कर देता हूँ, है ना। भगवान उनके आंखों पे पर्दा डाल देते हैं, तो वो कभी भगवान को देख भी नहीं पाएंगे, और ज्ञान के ऊपर भी पर्दा डाल देते हैं तो समझ भी नहीं पाएंगे कभी। तो इसीलिए ईर्ष्या जो करते हैं भगवान को, भगवान से, वो कभी भगवान को नहीं समझ सकते और ना भगवान की बताई हुई चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। भगवान इसीलिए कह रहे हैं कि तुम कभी मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान का अनुभूति बतलाऊंगा। इसको परम गुह्य ज्ञान बताया, गुह्य परम गुह्य मतलब सबसे पहले जो भगवान ने सेकंड चैप्टर में ज्ञान दिया कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है। तो शरीर और आत्मा का जो ज्ञान था, ये कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, ये गुह्य ज्ञान है ना। हरे कृष्णा। तो ये जो है गुह्य ज्ञान है, ठीक है। आत्मा और शरीर का जो हमको ज्ञान बताया सेकंड चैप्टर में भगवान ने शुरू किया कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, तो ये गुह्य ज्ञान है। उसके बाद 7th और 8th चैप्टर में उन्होंने भगवत ज्ञान और भगवत प्राप्ति बताया। हरे कृष्ण। रमेश प्रभु जी, हरे कृष्णा। रमेश प्रभु जी, आप अपने आप को म्यूट रख सकते हैं। हरे कृष्ण। रमेश प्रभु जी, तो भगवान ने सेकंड चैप्टर में आत्मा और शरीर का ज्ञान दिया, जो कि गुह्य ज्ञान था। फिर 7th और 8th चैप्टर में भगवान ने भगवत ज्ञान दिया, और भगवत प्राप्ति कैसे करना है, भगवान को कैसे प्राप्त करना है, वो ज्ञान दिया, तो वो गुह्यतर ज्ञान है। और अब भगवान कह रहे हैं परम गुह्य ज्ञान, मतलब गुह्य तमम। तो गुह्य, गुह्यतर और गुह्य तमम, जैसे गुड, बेटर और बेस्ट होता है ना, तो ये बेस्ट नॉलेज है ना, गुड, बेटर और बेस्ट, जैसे 3 कैटेगरी है, तो उसी तरह ये भी गुह्य, गुह्यतर, गुह्य तमम है ना। तो ये गुह्य तमम मतलब परम गुह्य ज्ञान है, गुह्य ज्ञानों में सबसे ऊपर है परम ज्ञान, तथा अनुभूति बताऊंगा। हरे कृष्णा। रमेश प्रभु जी, हरे कृष्णा। रमेश प्रभु जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हरे कृष्णा। और यह जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओ, ठीक है, इसको जानकर तुम सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओ, यह अनुभूति बतलाऊंगा, परम अनुभूति, परम गुह्य ज्ञान। इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है, इदम ज्ञानम, यह ज्ञान सब शब्द शुद्ध भक्ति के द्योतक के हैं, जो 9 प्रकार की होती है, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवनम, अर्चन, वंदनम, दास्यम, सख्यम तथा आत्मसमर्पण। भक्ति के 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावनावृत तक उठ पाता है। इस श्लोक का अनुसूयवे शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुश्रुत विद्वान भी भगवद गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं, चूंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती हैं। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएं ही प्रामाणिक हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, न तो भगवद गीता की व्याख्या कर सकता है, न पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति ये समझते हैं कि कृष्ण भगवान हैं और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष हैं, उनके लिए अध्याय लाभप्रद।
तो इसकी इसके ऊपर जोर दिया गया है कि जो भगवान से ईर्ष्या करता है वो इस ज्ञान को नहीं समझ पाएगा और उनके लिए लाभप्रद भी नहीं है ये। तो उनके लिए लाभप्रद है जो भगवान में श्रद्धा रखते हैं, भगवान में विश्वास रखते हैं, वो इस ज्ञान को समझ पाएंगे। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर तुम अव्ययम। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है और चूंकि आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है ना, सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। सुसुखम कर तुम अव्ययम, सुखपूर्वक संपन्न किया था। कैसे किया था भगवान बताएंगे कि किस तरह से हम किस किस तरह से हम इसको कर सकते हैं और बहुत आसान तरीके से भगवान ने बता दिया कि तुम किस इसको सुखपूर्वक कैसे करते हो और परम शुद्ध है और यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है। क्योंकि इसको इसको सबसे समस्त रहस्यों का सब विद्याओं का राजा क्यों कहा है, सब विद्याओं का राजा कहा गया है क्योंकि ये एक जैसे भगवत गीता को सार कहा जाता है ना, सभी ग्रंथों का या सभी वेदों का शास्त्रों का सार है भगवत गीता के अंदर। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो सिर्फ भगवत गीता में ही है, जो और कहीं नहीं है, वेदों में भी नहीं है या उपनिषद। इसीलिए इसके अंदर वो श्लोक आएंगे है ना इस चैप्टर के अंदर। तो इसीलिए इसको विद्याओं का राजा बताया गया जो सर्व सर्व समस्त सरस्वों में सर्वाधिक गोपनीय है। क्योंकि वेद व्यास ने सभी जो है शास्त्र लिखे तो धीरे 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 जब वो उन्होंने सब वेदों का किया तो नारद मुनि और उन्होंने देखा कि ये उन्होंने बताया कि ये इसके अंदर भगवान जो है भगवान का महिमा मंडन नहीं हो रहा है, भगवान की जो क्वालिटीज हैं वो पता नहीं चल पा रही है ना। वेद वेद और उपनिषद जो थे वो काफी डिफिकल्ट थे लोगों को समझ आम लोगों को समझने के लिए और भगवान की जो है महिमा और भगवान की महिमा ऊपर नहीं निकल के आ रही थी। तो फिर इसलिए उन्होंने भागवतम लिखा, भागवतम के अंदर पूरा था और फिर भगवत गीता में उसको सार के रूप में प्रस्तुत किया, तब उनको संतुष्ट हुआ। उसके बाद अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसका अभाव हो, इसीलिए इसको विद्याओं का राजा कहा गया जो सर्वाधिक रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इसे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तो जिनको श्रद्धा नहीं है वो आगे बढ़ ही नहीं सकते, उन्हें सिर्फ ज्ञान हो जाएगा कि इस तरह से भगवान ने ये इसको मैनेज किया या अर्जुन ने इसको ऐसे किया, तो उसको फिर मैनेजमेंट फिलोसॉफीज में कन्वर्ट करके वो कॉलेजेस में पढ़ाते रहेंगे लेकिन उनमें भक्ति नहीं आ पाएगी ना। तो जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, भगवान को नहीं प्राप्त कर पाएंगे लेकिन भगवान के जो जो संदेश है उनका वो उपयोग करते हैं है ना। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ है ना। भगवान कह रहे हैं कि मैं मेरे द्वारा व्याप्त है ये सब जो जगत है पूरा संपूर्ण जगत, समस्त जीव मुझ में है लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ है ना। तो जो जो विराट रूप है भगवान का, विराट रूप के अंदर सब कुछ आ जाता है लेकिन भगवान यह कह रहे हैं कि मैं उनमें नहीं हूँ। तो भगवान ये बता रहे हैं कि मैं जरूरी नहीं होना, मेरा होना जरूरी नहीं है। इसका एग्जाम्पल प्रभुपाद ने बहुत अच्छा दिया है कि एक राजा होता है, राजा के बहुत सारे विभाग होते हैं, पूरे जो व्यवस्था वो राजा के द्वारा चला चलती है ना। तो लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो कोई विभाग वहां काम कर रहा है तो वहां पर जाके राजा को उपस्थित होना कोई जरूरी नहीं है ना। या पॉलिसीज बना देते हैं है ना, सरकार में जैसे होता है सरकार में पॉलिसीज बना दी जाती है, उस पॉलिसीज को फॉलो करके गाइडलाइन उसको फॉलो करके सरकार को चलाया जाता है ना। उनके अधिकारी जो होते हैं है ना, मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर्स के अंदर में फिर सेक्रेटरीज होते हैं, फिर वो सेक्रेटरीज उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इस तरह से। लेकिन वो सब पॉलिसीज बनाने में राजा का हाथ होता है ना, सरकार के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी मर्जी के बिना नहीं होता कुछ भी ठीक है। तो लेकिन ये जरूरी नहीं कि उसको इम्प्लीमेंटेशन में प्राइम मिनिस्टर को खुद जाना पड़े या राजा को खुद जाना पड़े उसको करवाने के लिए, उनके अधिकारी हैं वो करवाते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं उनमें नहीं हूँ और जो सब कुछ मेरे द्वारा व्याप्त है लेकिन मैं उनमें नहीं, इस तरह से समझ सकते हैं। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती, जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो, यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक अर्थात भर्ता हूं और सर्वत्र व्याप्त हूं लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं, मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं ठीक है। सारी वस्तुएं मुझ में स्थित हैं, जिस प्रकार सर्वत्र प्रभावमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो है ना।
तो जी वायु का एग्जाम्पल जिस तरह से दे रहे हैं कि वायु आकाश में हर जगह रहती है, वायु जो है हर जगह रहती है, और उसी तरह भगवान भी हर जगह रहते हैं, तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न मुझ में स्थित नहीं रहती जरा में। तो भगवान पूरे सृष्टि के कारण स्वरूप है, हर चीज उन्हीं से उद्गम हुई है, वो पालन करता है, सब जगह व्याप्त है, लेकिन उसके उसके क्योंकि प्रकृति से वो परे हैं, प्रकृति से परे हैं, तो उनको वो उस अभिव्यक्ति का वो अंश नहीं है, उससे परे है ना, आध्यात्मिक लोक में है। और जो वैकुंठ धाम है, जब जब कल्प होता है तो तब भी उसका विनाश नहीं होता है, तो भगवान जो है सबके कारण स्वरूप है, सब प्रकृति के गुणों के कंट्रोलर हैं, नियामक है ना, लेकिन वो उसके अधीन नहीं है, भगवान उसके उन नियमों के अधीन नहीं है, उससे परे हैं, उसके कारण स्वरूप है लेकिन उसके अंश नहीं। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, या मेरे इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है, और मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। तो भगवान के जो है सब अधीन है, जैसे ब्रह्मा जी के जब 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो महाकल्प आता है, महाकल्प आता है तो सब कुछ पूरा ब्रह्म लोक तक सब कुछ जो है वापिस विष्णु में समा जाता है ना। तो ये जो संपूर्ण विराट जगत भगवान के अधीन में है, और ये भगवान की इच्छा से बाहर स्वतः प्रकट होता है। भगवान श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, श्वास छोड़ते हैं तो उनके रोम रोम से ब्रह्मांड निकलते हैं, है ना, और ये मेरी, और फिर उसमें विस्तार, हर ब्रह्मांड के अंदर फिर विष्णु आते हैं, विष्णु आते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं, और फिर सृष्टि रचती है। तो ये भगवान के व्यवस्था है, भगवान की इच्छा से ही सब कुछ चलता है। इस तरह से भगवान विष्णु के रूप में अपने आप को विस्तारित करते हैं, और फिर विष्णु जी के शरीर से ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे चारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सजीत और विनष्ट होता रहता है ना। तो भौतिक प्रकृति, भगवान ने 8 भौतिक प्रकृतियां बताई थी, कि 2 तरह से बताई थी, उसमें 8 तत्व थे, है ना, अपरा शक्तियां, भगवान की अपरा शक्तियां थी, और फिर एक पराशक्ति थी। तो जो भी भौतिक और आध्यात्मिक जगत में होता है, ये दिनों दोनों शक्तियों के द्वारा होता है, सब भगवान ने हमको बताया था, और ये सब भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है, ठीक है। तो ये सब चर अचर जो भी उत्पन्न होते हैं वो भगवान की अध्यक्षता में होते हैं सब। इसके शासन में ये जगत बार बार विनष्ट और सज्जित होता है। तो इस तरह से भगवान अपने श्याम सुंदर रूप में गोलोक वृंदावन में रहते। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते, है ना। तो जब भगवान अवतरित हुए थे वृंदावन में, तो लोग जो थे, जो भक्त नहीं थे, उनके ग्वाल बाल तो उनसे बहुत प्रेम करते थे ना, तो बहुत आकर्षित थे, लेकिन कुछ लोग थे जो असुर आसुरी थे ना, कंस जैसे, उनको कुछ नहीं समझता था, है ना, लेकिन उसको भय बहुत था, क्योंकि भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी पुत्र से उनका वध होगा, है ना, उनका नाश करेगा, तो उसको भय रहता था, लेकिन उसमें उसको ताकत भी थी, उसको लगता था कि ये क्या ही कर सकता है मेरा, तो बहुत कोशिश की उन्हें, असुरों को भेज भेज के उनको मारने की कोशिश की उन्हें। तो जो मूर्ख होते हैं वो मेरा उपहास करते हैं, और मैं उस परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते, और वो एक मन वो समझते ये आम जो है मनुष्य हैं, लेकिन जब उनकी लीलाओं के बारे में हम पढ़ते हैं तो उनके दिव्य स्वरूप को हम जान सकते हैं, उनके स्वभाव को हम जान सकते हैं। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम शिता। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं, वो मोहग्रस्त हो जाते हैं। किससे मोहग्रस्त हो जाते हैं? माया से मोहग्रस्त हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये सब हम लोग भोग करने के लिए पैदा हुए हैं, तो वह आसुरी भगवान कुछ नहीं होता है ना, नास्तिक होते हैं, और आसुरी स्वभाव होता है उनका, कुछ भी धर्म के हिसाब से नहीं करते हैं। आसुरी आसुर असुर मतलब वो धर्म को नहीं मानता है, जो भी भगवान ने नियम बनाए हैं या शास्त्रों के नियम होते हैं वो धर्म है, तो उनको नियम को नहीं मानना आसुरी स्वभाव है, और भगवान में श्रद्धा नहीं रखना ये नास्तिक होता है ना। तो इसलिए वो मोहग्रस्त हो जाता, माया उसको मोहग्रस्त कर देती है।
और इस अवस्था में जो है उसकी मुक्ति आशा, उसके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुष्ठान सभी निष्फल हो जाते हैं। मुक्ति की आशा तो बिल्कुल भी नहीं है उसके अंदर, ठीक है। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिताः भजन्ते भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि मोह मुक्त महात्मा जन है ना, मोह मुक्त महात्मा जन जो होते हैं, जो जिनको आसक्ति नहीं होती, मोह से मुक्त होते हैं, जो है माया से दूर रहते हैं, है ना, मुक्त रहते हैं, वो उनको महात्मा जन कहा गया। और वो दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, तो माया भी उनको टच नहीं करती है, माया भी उनको टच नहीं करती जब वो मुक्त स्थिति में रहते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं चैंटिंग करिए कंटिन्यूस, 16 माला आप जप करेंगे तो माया आपको छू भी नहीं सकती है ना। तो दिन भर आपको जो है भगवान का ध्यान रहता है। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं, भगवान की के जो है शक्तियों के बारे में जानते हैं, भगवान की लीलाओं के बारे में जानते हैं, है ना, और भगवान से उनको प्रेम होता है, वो पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं। इसलिए महात्मा जन होते हैं, उनको आसक्ति हो जाती है भगवान के साथ, तो इसीलिए वो उनको दैवी संरक्षण प्राप्त होता है, उनको उनको कोई विनाश नहीं कर सकता, भौतिक रूप से नहीं, आध्यात्मिक रूप से उनको कोई टच नहीं। दैवी संरक्षण मतलब आध्यात्मिक, वो आध्यात्मिक उनकी जो यात्रा होती है या आध्यात्मिक उनकी होती है, उसको वो गिरते नहीं है, जो बोलते हैं ना भवसागर में पुनः गिर जाएगा या उसका पतन हो जाएगा, है ना, वो नहीं होता है। भौतिक उसको कुछ भी हो रहा है, देखने से वो बीमार हो रहा है या उसको दुख है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से वो संरक्षण में है भगवान के, ठीक है, दैवी प्रकृति के संरक्षण में। सततम् कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो ये जो महात्मा होते हैं, भगवान कह रहे हैं कि नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हैं और मुझे नमस्कार करते हैं, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद का बताया गया, तो प्रभुपाद तो महान भक्त थे, है ना, महात्मा थे, तो उन्होंने कंटिन्यूसली 24 घंटे, उनका सिर्फ 2-2.5 घंटे वो सोते थे और पूरे टाइम उनका कुछ न कुछ कार्य भगवान की सेवा में लगा रहता, ठीक है ना, कीर्तन वो करते थे, जब भी मौका मिलता था कीर्तन करते थे, और कंटिन्यूअसली वो अपना जो कन्वर्शन था, जो भागवतम को कन्वर्ट करना है उसको इंग्लिश में, तो उनका लास्ट मोमेंट तक चलता रहा है। एक वीडियो आप देखिएगा, उसका नाम मुझे पता नहीं, उसमें अंत अंत समय में जो प्रभुपाद के बताए, अपने डेथ बेड पे थे, लेकिन वो उस वक्त भी ट्रांसलेशन उनका चल रहा था, है ना, कुछ आखिरी के चैप्टर्स बचे थे और वो पूरी तरह कमजोर हो गए थे, लेकिन उनके और मतलब आँख भी नहीं खुल रही थी, लेकिन उनके शब्दों में वो पूरी तरह कन्वर्ट कर रहे थे और उसको रिकॉर्ड कर रहे थे भक्त लोग, और फिर उसके बाद उन्होंने ऑफ कोर्स उस ट्रांसलेशन को भागवतम में डाला उन्होंने, तो वो उससे पता चलता है कि वो नित्य कीर्तन मतलब मृत्यु के समय तक वो पूरे टाइम कीर्तन करते रहे, कीर्तन मतलब भागवतम को ट्रांसलेट भी कर रहे थे, तो भगवान का पूरा ध्यान उनको था। तो इसको भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं, तो ये एग्जाम्पल प्रभुपाद का दिया है। सततम कीर्त, ये वर्ड अब चलता रहेगा, सततम कीर्तयन्तो, सततम मतलब कंटिन्यूअस निरंतर, है ना, भगवान ने पहले भी चैप्टर में कि अंतरंग रूप से मुझसे जुड़ा होता है ना, अब यहाँ पे सततम कीर्तयन्तो निरंतर कीर्तन करता है, निरंतर पूरे टाइम करता है, तो मन मन में, है ना, या भौतिक रूप जगह भौतिक रूप से। पिता हम अस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता माता आश्रय तथा पितामह हूँ, मैं ज्ञेय जाने योग्य हूँ, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ, मैं ऋग्वेद हूँ, सामवेद हूँ तथा यजुर्वेद भी। तो इस तरह से भगवान बता रहे हैं कि मैं सब कुछ हूँ, पितामह हूँ, पिता हूँ, माता हूँ। तो हमारे हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में ये माता पिता है हमारे, लेकिन इस जीवन के लिए है वो, अगले जीवन में कोई और माता पिता होंगे, हमारे कर्मों के हिसाब से हमको शरीर मिलेगा, हमें परिवार मिलेगा, तो वो एक नया परिवार होगा, है ना, तो वो सब अस्थाई है, परमानेंट नहीं है। परमानेंट क्या है, भगवान जो है हमारे परमानेंट पिता है,
जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे कि अब हमारे पिताजी के पिताजी कौन थे, पिताजी के पिताजी कौन थे, जब ऊपर तक जाएंगे तो अंत में हमको भगवान ही मिलेंगे। ठीक है, हमारे जो जीवों के सर्वोच्च जो है व्यक्तित्व है वो ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी से ही पूरी सृष्टि उत्पत्ति होती है, हम ब्रह्मा जी तक पहुंचेंगे और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भगवान से हुई है। इसीलिए यहाँ पे माता पिता आश्रय पितामह सब कुछ जो है भगवान है, और भगवान ही जानने योग्य है। ठीक है, ज्ञेय है, जो जानने योग्य हो उसको ज्ञेय कहते हैं। मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी साक्षी धाम शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूं। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ, वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमृत हूँ, साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, सत तथा असत दोनों मुझी में हैं। अब ये अलग अलग भगवान बता रहे हैं। पिछले चैप्टर्स में भी भगवान ने बताया कि ये जल का मैं स्वाद हूँ, है ना, अग्नि की गर्मी हूँ, ताप हूँ मैं। यहाँ पर फिर से भगवान उसको कुछ चीजें जो है 7 चैप्टर की यहाँ पे रिपीट होती हो रही है ना, कि मैं ये हूँ, मैं ताप प्रवर्षा को रोकता तथा लाता हूँ, अमृत हूँ, साक्षात मृत्यु भी हूँ, है ना, काल रूप में भगवान रहते हैं तो साक्षात मृत्यु भी हूँ, आत्मा तथा पदार्थ तथा सत तथा असत दोनों मुझी में है। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गीय धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। अब भगवान ने बताना चालू किया कि आप क्या करते हो तो आपको क्या प्राप्त होता है, क्या इस गंतव्य है आपका, तो उस गंतव्य के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो भगवान कह रहे हैं कि जो वेदों का अध्ययन कर रहे हैं और सोमरस का पान करते हैं तो वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। तो स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हैं, तो वे पाप कर्म से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गीय धाम में जाते हैं। तो जब जब हम वेदों का शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हमको पुण्य कर्म में, पुण्य कर्म होते हैं हमारे में आता है, वेदों का अध्ययन करना पुण्य कर्मों में आता है। तो हम पुण्य कर्म करेंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा स्वर्गीय धाम में, और वहां पे देवताओं का सा हम आदर भोगते हैं, आनंद भोगते हैं। आनंद भोगते मतलब स्वर्ग के अंदर बहुत ऐश्वर्य है ना, बहुत सुंदर है, तो वहां पर हम उसको आनंद को भोगते हैं। लेकिन वो जब पुण्य कर्म हमारे क्षीण हो जाते हैं तो हम वापिस आ जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे व्हील बताया हुआ है, तो हम जाते हैं स्वर्ग में और फिर हमारे कर्म क्षीण हो जाते हैं, हम वापिस नीचे आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये पुण्य कर्मों का हिसाब बताया भगवान ने कि आपका जो गंतव्य है वो आप इस प्रकार। जब वे विस्तृत स्वर्गीय केंद्रीय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं तो वे मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। तो ये जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। इसीलिए हमको क्या है, भक्ति की भक्ति मार्ग ही अल्टीमेटली भगवान यही कहना चाह रहे हैं कि भक्ति के अलावा और कोई चारा नहीं है। ठीक है, हम पुण्य कर्म करेंगे तब भी हमको भोगने के लिए आना पड़ेगा या जाना पड़ेगा, है ना, और फिर क्षीण हो जाएगा तो हम पृथ्वी पर वापस आ जाएंगे, फिर मृत्यु लोक बोलते, इसीलिए इसको मृत्यु लोक बोला है ना, कि मृत्यु होती है और फिर जन्म होता है, ये चलता रहेगा। अनन्याश्रिचिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। तो भगवान जो है, जब हम भक्ति में रहते हैं तो भगवान भगवान से मांगने की जरूरत नहीं है ना, भगवान तो सबके हृदय में परमात्मा रूप में है ना, तो वो भगवान जानते हैं कि इसको क्या आवश्यकता है इसकी, है ना, उसको पूरा करते हैं और जो हमारे पास है उसकी रक्षा करते हैं। तो इस तरह से है, लेकिन कौन है वो, कौन जो अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, निरंतर मेरी पूजा करते हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, है ना, उनका भगवान पूरा ध्यान रखते हैं, उनकी जो जरूरत होती है और जो जो उनके पास है उसकी वो रक्षा करते हैं। लेकिन अनन्य भाव बताइए, अनन्य भक्ति भी पहले भी भगवान बता चुके हैं, है ना, अनन्य निरंतर ये सब जो है, सतत सततम निरंतर, है ना, ये सब वर्ड इंपॉर्टेंट है, तो वो शुद्ध भक्ति है जो अनन्य भाव जो है। येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ति यजन
अविधि पूर्वकम। हे पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं मतलब अविधि पूर्वकम, यहाँ लिखा है यजन्त्य अविधि पूर्वकम, अविधि पूर्वक है मतलब त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो इनडायरेक्ट कर रहे हैं ना, भगवान के द्वारा सेंक्शन होता है सब कुछ, है ना, हम देवताओं की पूजा करते हैं और कुछ लाभ चाहते हैं, भौतिक लाभ चाहते हैं, है ना, उसमें हम भगवान की भक्ति तो मांगते नहीं है, हमें ज्ञान भी नहीं होता है ना। और तो भगवान ने पहले भी बताया चैप्टर पर कि मैं उनकी जो श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जो देवता विशेष की पूजा करते हैं मैं उनकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ ताकि उस विशेष देवता की वो पूजा कर सकें। तो भगवान रोक टोक नहीं करते, लेकिन अगर आपको भगवान के धाम जाना है तो आपको वहां का वीसा लेना होगा, जैसे हर कंट्री का एक वीसा होता है ना। अगर आपको चाइना जाना है तो आप बांग्लादेश के वीसा पे नहीं जा सकते, तो उसी तरह अगर हमको भगवत धाम जाना है तो हमको भगवत धाम का वीसा लेना पड़ेगा, तो भक्ति करनी पड़ेगी उसमें। वहां पर जो है सकाम कर्म नहीं चलता, वहां पे शुद्ध भक्ति चलती है, ठीक है। तो जो अन्य है वो ये त्रुटिपूर्ण ढंग का भगवान बताए, ये इनडायरेक्ट जो है भगवान से हम मांग रहे हैं बेसिकली, क्योंकि सेंक्शन जो है भगवान कर रहे हैं, इसीलिए अविधि पूर्वकम है। तो हमको मांगना है भगवान से, देवताओं से, तो देवताओं से शिव जी से मांगिए कि आप परम वैष्णव हैं तो हम आपकी तरह वैष्णव किस तरह बन सकते हैं, या हम आपकी तरह किस तरह भगवान की भक्ति कर सकते हैं, उसमें शक्ति दीजिए हमें। तो देवताओं को नमस्कार करते हुए जहाँ भी दिखे उनको नमस्कार कीजिए और उनके उनके जैसी भक्ति मांगिए। हनुमान जी परम भक्त हैं, तो उनसे मांगिए कि भक्ति दीजिए। लोग उनसे शक्ति मांगते हैं, है ना, चाहिए हमको भक्ति। तो इस तरह से ये त्रुटिपूर्ण ढंग है। यान्ति देवव्रता देवान् वृत्रन्, यान्ति पितृव्रता भूतानि, यान्ति भूतेज्या, यान्ति मद्या जिनोपि माम। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं मेरे साथ निवास करते हैं। तो भगवान ने पूरा क्लियर कट बता दिया है कि कौन कहाँ रहता है और ये वहां पर क्यों है, इसका कारण भी सब बता दिया भगवान ने, है ना, कि हम देवताओं की पूजा करेंगे तो हम देवलोक को जाते हैं, है ना, पितरों को पूजेंगे तो पितरों के पास जाते हैं, भूत प्रेतों को पूजते हैं लोग, आपने देखा होगा कि जो शमशान घाट होते हैं वहां पे जाके लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, है ना, अलग अलग सिद्धियां प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो वो उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं, जो भगवान का ध्यान करते हैं, वो मेरे साथ निवास करते हैं। कहाँ पे निवास करते हैं? गोलोक वृंदावन में, गोलोक वृंदावन में भगवान का निवास है। तो कल आप लोगों को वो शेयर किया था, आप लोगों ने देखा हो गोलोक चार्ट में, गोलोक चार्ट में वैकुंठ धाम के ऊपर गोलोक वृंदावन है ना, जो एग्जैक्टली रेप्लिका यहाँ का ऐसा बोलते हैं, वो वृंदावन और यहाँ पे जो लीलाएं करी थी भगवान ने वो सेम है, चलो, है ना। तो जिस तरह से यहाँ पे वैसी नित्य लीलाएं वहां पर वो अपने गोलोक वृंदावन में उनके चलती रहती है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद तदा भक्तयुप्रतम अश्नामी प्रेतात्मनः। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, है ना, पत्र पुष्प फल और जल, जो ये प्रेम से मुझे मेरा भक्त मुझे भक्ति के साथ देता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो भगवान जो है भाव के भूखे हैं, ऐसा नहीं कि आप पूरा सजा के देंगे तभी भगवान ग्रहण करेंगे, वो आपके बारे में जानते हैं पूरी तरह, है ना। आप प्रेम से जो भी भगवान को देंगे अपने सामर्थ्य के हिसाब से वो भगवान स्वीकार करते हैं। भक्ति और प्रेम श्रद्धा ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब जरूरी है। सुखपूर्वक भगवान ने कहा था कि ये जो गुह्य ज्ञान में बता रहा हूँ, इसको गुह्य ज्ञान के ये सब बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक हैं, है ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो ये गुह्य ज्ञान है। भगवान ने बताया था कि इसको सुखपूर्वक किया जाता है, इस जो ये मैं ज्ञान बता रहा हूँ इसको सुखपूर्वक किया जाता है, तो ये जो है बहुत सुखपूर्वक, जैसे हम पत्र पुष्प फल और भक्ति के साथ दे रहे हैं तो भगवान उसको स्वीकार कर रहे हैं ना, तो सुखपूर्वक, इसमें टेंशन नहीं है, सुखपूर्वक किए जा रहे हैं। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो, है ना, और उसको सुखपूर्वक बना दिया और सरल बना दिया भगवान ने, ये कुछ नहीं करना है, आप अपना सब काम करते रहिए, सिर्फ क्या करना है कि आप
जैसे खा रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, तो उसको भगवान को सेंटर में रख के आप करिए, है ना, कि मैं ये पढ़ाई कर रहा हूँ तो इससे पढ़ाई करने से मैं मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी, उस नौकरी से मुझे धन प्राप्त होगा, उससे मैं भगवान का अपने घर में मंदिर बनवाऊंगा या भगवान के लिए नया नए वस्त्र लाऊंगा, है ना। तो ध्यान आपका भगवान में है ना। और जो कुछ खाते हो, है ना, आप प्रसादम बनाते हैं, प्रसादम आप रोज, वैसे भी रोज ही बनाते हैं, है ना, करना क्या है, आप रोज बनाते हैं अपने खाने के लिए, तो कुछ ना कुछ बनाते हैं, सिर्फ आपका क्या है, परिस्थिति नहीं बदली है, बट मन स्थिति है ना, मन की स्थिति बदल रहे हैं हम, परिस्थिति नहीं बदल रहे हैं। आप वही क्यों, वही सब कुछ करेंगे, आप भगवान का ध्यान नहीं भी कर रहे हैं तब भी आप काम करेंगे, पैसा लाएंगे, नौकरी करेंगे, लेकिन अब हम अपनी मन स्थिति बदल के भगवान सेंटर में भगवान को कर दिया हमने, है ना। और जो भी बना रहे हैं उसके बारे में सोच रहे हैं, भगवान के लिए प्रसादम बना रहे हैं, वो पहले भी आप बनाते थे, लेकिन पहले कुछ और सोचते थे कि मेरे पति को अच्छा लगेगा, मेरे बेटे को अच्छा लगेगा, मेरे उसको लगेगा, है ना, उसकी खुशी के लिए करते थे। अब आपके दिमाग में आप वही चीज कर रहे हैं, लेकिन भगवान के बारे में सोचते हो करें कि भगवान को ये साग अच्छा लगता है, भगवान को दही दूध अच्छा लगता है, भगवान को भात अच्छा लगता है ना, खीर अच्छी लगती है। तो ये सोच के आप जब भगवान के लिए बनाते हैं, खाएंगे तो वो आपके परिवार वाले ना, प्रसादम कौन खाएगा, है ना। लेकिन हमारा जो मन स्थिति बदल गई है, परिस्थिति वही है, काम हम वही कर रहे हैं, लेकिन अब हमारी मन स्थिति बदल गई है। इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, और इसको जितना जल्दी अपने हम जीवन में उतार लेते हैं, उतना ज्यादा हम अंतरंग रूप से भगवान से जुड़ जाते हैं, है ना। जो भी कुछ अर्पित करो, दान दो, जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हो। दान और तपस्या और इस सब के बारे में बहुत डिटेल में भगवान बताएंगे 17 और 18 चैप्टर में, कि क्या कैसे दान करना है आपको, क्या तपस्या करनी है ना, कौन सा सत्वगुण होता है, पूरे गुणों के ऊपर वो सब चीजें बताएंगे कि कौन सा सत्वगुणी दान होता है, तमोगुणी दान होता है, किसको दान करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि दान गलत दान करने से भी आपको कर उन उसके बुरे कर्म, वो बुरा कर्म करेगा, आपने पैसा दे दिया वो जाके नशा करेगा, है ना, तो उसके जो पाप कर्म होंगे उसके भागीदार आप भी बनोगे, तो इसलिए बहुत सोच समझ के दान करना चाहिए, है ना, सही जगह पे ध्यान होना है। तो इस सब के बारे में भगवान बताएंगे आगे। तपस्या जो करते हो वो सही होना चाहिए, सत्वगुणी, सत्वगुण में होना चाहिए, तो इस सब को और मुझे अर्पित करते हुए करो, है ना, भगवान को अर्पित करते हुए करो, इसका जो फल है वो भगवान को अर्पित है। सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वो मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ, है ना। भगवान कहते हैं मैं किसी से द्वेष नहीं करता हूँ और न ही पक्षपात करता हूँ। भगवान ने व्यवस्था बना दी, उनकी प्रकृति बना दी है उसके रूल्स के हिसाब से, और इंसान को स्वतंत्रता दे दी है, ठीक है, मैंने आपको स्वतंत्र दे दिया है, ये रूल्स बन गए, और अब मैं इसमें पक्षपात नहीं करता हूँ कुछ भी, है ना, मैं किसी से द्वेष नहीं करता हूँ और सबों के लिए संभाव हूँ, है ना। भगवान तो भाव के भूखे हैं, आप उनसे प्रेम करेंगे तो आपको पूरा भगवान की जो भक्ति है वो मिलेगी, है ना, और मेरी सेवा करता है, वो मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। कितनी बड़ी बात भगवान कह रहे हैं कि वो मुझे भक्तिपूर्वक जो मेरी सेवा करता है, वो मेरा मित्र है ना, और मैं उसका मित्र हूँ। अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरेव समन्तव्य सम्यग्व्यवसितो हि सः। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है ना। तो यहाँ पे ये कोई कुछ सोचेंगे कि ये जघन्य कर्म कर रहा है, उसके बाद भी भगवान उसको साधु मान रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, लेकिन भगवान ने ये कह रहे हैं कि भक्ति से सभी पाप कर्मों का नाश हो जाता है ना, वो क्योंकि भक्ति में दृढ़ संकल्प है, वो उसका संकल्प है, वो दृढ़ है, संकल्प में अडिग है ना, उससे गलतियां होती है, सबसे गलतियां होती है ना, कोई पाप हो गया उससे, लेकिन अगर वो भक्ति में संकल्प, उसका दृढ़ संकल्प है, तो वो उसको साधु मानते हैं, तब भी भगवान कह रहे हैं उसको साधु मानना चाहिए, क्योंकि वो अपने संकल्प, संकल्प इंपॉर्टेंट है, भक्ति में आप संकल्प है, लेकिन आपसे कोई पाप हो गया है तब भी आप करते हैं, वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है, शश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। अब भगवान देखिए
इससे डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं वो, है ना। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, है ना। और तो भगवान की आप कितने भक्तों के एग्जाम्पल देखेंगे, द्रौपदी की रक्षा की, अंत समय में द्रौपदी को कुछ रास्ता नहीं दिखा तो हाथ उठा के कृष्ण को याद किया, है ना। सब कुछ लूटने वाला था, है ना, लेकिन भगवान आए। और भौतिक लोग उसको विश्वास नहीं कर सकते हैं, उनको समझ में नहीं आएगा कि ये एंडलेस साड़ी कैसे हो सकती है, कुछ कोई एंडलेस साड़ी हो सकती है क्या। लेकिन भगवान ने वहां लीला अपनी दिखाई, भक्त की रक्षा के लिए वो किया उन्होंने, है ना। लेकिन जो अभक्त हैं, जो ईर्ष्या करते हैं भगवान से, वो ये नहीं समझ सकते भगवान की शक्तियों को। तो भगवान कहते हैं कि निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे जो भक्त है उसका कभी विनाश नहीं होता। तो कोई भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं है, है ना। ध्रुव महाराज हैं, और सॉरी प्रहलाद महाराज थे। प्रहलाद महाराज को कितने, उनके तो असुरों में ही पैदा हो गए थे, इतनी मुश्किलों में भी वो उनके विनाश नहीं कर पाया कोई, है ना। जो हिरण्यकश्यप, उनके पिताजी खुद थे वो जो मारना चाहते थे। और उनको प्रहलाद महाराज तो ऐसा था कि वो, उनके जो गुरु थे वो भी असुरी थे, तो जो हिरण्यकश्यप उनको सिखाना चाहता था उन असुरों के द्वारा, है ना, तो वो तो वो सीखते नहीं थे। और उनको जो नारद मुनि से ज्ञान मिलता था वो उनको और उल्टा सिखाते थे। जब भी वो खेलने का समय होता था तो अपने दोस्तों को इकट्ठा कर लेते थे और उनको धर्म की बातें सिखाते थे, है ना, पूरा ज्ञान देते थे। और फिर जब हिरण्यकश्यपु नेक्स्ट टाइम उनसे मिलता था कि तुमने क्या सीखा, तो वो ज्ञान की बातें करते थे, तो फिर वो उनके गुरु पे नाराज होते थे, फिर उनको बोलते थे। तो ऐसे बहुत प्रयास किया उन्होंने। और प्रहलाद महाराज, जब हिरण्यकश्यपु को मुक्ति दी थी भगवान ने, तो प्रहलाद महाराज ने उनसे मांगा था कि, है ना, ऐसा नहीं, वो उनके पिताजी से ईर्ष्या करते, तो मैं उनसे कहा था इनको मुक्ति दीजिए, क्या कुछ मांगने के लिए बोला था। और फिर उसके बाद उन्होंने अपने अपने जो गुरु हैं नारद मुनि का, कि मैं सेवा करूं ऐसा मुझे शक्ति दीजिए, ये मांगा था उन्होंने आखिरी में। भगवान ने कहा था आप मांगो कुछ भी, है ना। वो तो बहुत बड़ा प्रहलाद जो थे, ये मांगना ये चाहते थे। वो ध्रुव महाराज थे, प्रहलाद महाराज जो थे उन्होंने फिर नारद मुनि की सेवा मांगी थी एक्चुअली, कि मुझे उनकी, अपने गुरु की सेवा मैं करता रहूं, ये मुझे दीजिए। तो इस तरह से भगवान की कह रहे हैं कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है, ठीक है। माम हि पार्थ व्यपाशित्य ये अपि यस्यु पाप योनयः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रः ते अपि यान्ति परां गतिम्। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री वैश्य व्यापारी तथा शूद्र शमी क्यों ना हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो भगवान ने बताया कि जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं, शरण ग्रहण करना मतलब सरेंडर करते हैं लोग, जो भगवान को हम सरेंडर करते हैं ना, ये बहुत डिफिकल्ट स्टेज होती है भक्ति में, जब हम आगे जाके और सब कुछ भगवान के ऊपर आश्रित हो जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं, जो भी होगा वो देखा जाएगा, है ना, भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं और भक्ति में रहते हैं लोग, तो वे भले ही निम्न जन्म स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई जो भी हो, वो परम धाम को प्राप्त। तो भगवान इसमें पक्षपात नहीं करते, भगवान कहते हैं मैं संभव रहता हूँ, पक्षपात नहीं करता हूँ किसी के साथ, जो भी मेरी शरण ग्रहण करता है वो मेरे धाम को प्राप्त करता है। तो फिर मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य से युक्त वैवम आत्मनम आत्मनम मत परायण। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, इस प्रकार मुझमें पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करो, प्राप्त होगे, है ना। तो भगवान ने पूरा रास्ता बता दिया, पूरे, है ना, सुख पूर्वक किया जाता है ये गुह्य ज्ञान जो है, सुख पूर्वक, है ना, प्रीति पूर्वक किया जाता है ना। तो चिंतन, मन नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, है ना, ताकि त्रुटि ना हो। भगवान बार बार मैं मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, क्योंकि भगवान ने पहले बता दिया है कि आप का गंतव्य क्या हो सकता है, आप जो करोगे उसके हिसाब से आपको गंतव्य मिलेगा, है ना। तो अगर आप मेरे, मुझे चाहते हो, मुझे मेरे धाम को प्राप्त करना चाहते हो, तो मेरे चिंतन में लगाओ, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो, है ना। तो ये कहीं ऐसा ना हो, ये अविधि पूर्वक हो जाए और फिर आपको त्रुटि हो जाए आपसे और आप धाम, परम धाम को प्राप्त ना हो। इस प्रकार मुझमें पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको, तो भगवान गारंटी दे रहे हैं यहाँ पर, निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे पूर्णतया तल्लीन होने पर।
इस श्लोक से स्पष्ट है कि इस भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है, लेकिन कृष्ण तत्व को न जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन या शरीर से पृथक बताते हैं। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं, है ना। तो इस तरह से वो गलत यूज करते हैं भगवान को, भगवान से ईर्ष्या करते हैं, है ना। तो जो कृष्ण तत्व को अलग अलग तरह से प्रस्तुत करते हैं वो, है ना, मन और शरीर से उनको अलग बताते हैं। भगवान का पूरा शरीर दिव्य है ना, सब एक है। तो इसको गलत प्रस्तुत करके वो और अज्ञानता बताई गई, प्रति निरी अज्ञानता है और ये लोगों को भ्रमित करने के लिए। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए, उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर है जहां पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे, उसे अर्चवीर के समक्ष नमस्तक नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। इससे वह कृष्ण भाव में पूर्णतया तल्लीन हो सकेगा, इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में ना आए, उसे श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है ना, ये अल्टीमेट गोल है। शुद्ध भक्ति जो है चरम गोल है, बाकी आप भौतिक गोल कुछ भी रखें, लेकिन अपना आध्यात्मिक गोल भी रखिए, है ना, कि मुझे शुद्ध भक्त बनना है। भौतिक गोल आपका ठीक है, मेरे को ये बनना है, मेरे को ये प्राप्त करना है जीवन में, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, ये आपके भौतिक गोल हो सकते हैं, है ना। लेकिन आपका शुद्ध भक्ति जो है, जो आपके आध्यात्मिक गोल एक होना चाहिए, ठीक है। और जब वो चीजें इस भौतिक जो गोल है वो इस आध्यात्मिक गोल से जब लिंक हो जाते हैं, है ना, तब आपको आपकी सफलता ध्रुव है ना, वही तभी आपका जीवन सफल है। इसमें बताया गया है कि अर्चवे नमस्त होकर मनसा वाचा कर, मन से, बोली से और कर्मों से हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। मन भी आपका भगवान में लगा हुआ है, आप बातें भी भगवान के भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान की लीलाओं के बारे में बात करते हैं, है ना, वाचा वाणी द्वारा, और कर्म कर्मणा, है ना, मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए, पूर्णतया तल्लीन होना चाहिए, और इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। और दृढ़ विश्वास बहुत जरूरी है। तो इसीलिए जो ये आंदोलन चला है ना, जो है महाप्रभु ने इसको शुरू किया और प्रभुपाद ने बहुत अच्छा इसको संस्था देके इसको व्यवस्था बनाई है, यानी एक सिस्टम बनाया ताकि लोग बहुत सरलता से जो है भक्ति कर सके, है ना। ऐसा और कहीं देखने को नहीं मिलेगा, और पूरे सभी जो है विश्व के लिए बनाया इसको, है ना, विश्व के सभी लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, इतने आसान तरीके से इसको बना दिया गया है ना। तो भारत से ज्यादा लोग जो है बाहर के लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, है ना, भक्ति के अंदर समझ के भक्ति में लग रहे हैं, उनको अपने जीवन का उद्देश्य समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से भगवान ने बताया। तो भगवत ऐश्वर्य जाना ज्ञान वेज टू अप्रोच कृष्णा, किस 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 तरीके से हम भगवान को करते हैं, सततम कीर्तयन्तो तो मां, निरंतर कीर्तन करते रहने से, स्वीटनेस ऑफ एक्सक्लूसिव डिवोशन, मन मना भव मद भक्तो, है ना, एक्सक्लूसिव डिवोशन मतलब मुझे, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, मेरा ध्यान करो, तो ये एक्सक्लूसिव डिवोशन। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, यहाँ उपस्थित भक्त जनों की जय। हरे कृष्ण।